आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय, क्वेश्चन है द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 2HC, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा क्योंकि ये आपका 2H दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अब यहां बोला गया हमको कि इनकी बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, इक्वेशन हमको दे दिया, इसका बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है सारे बॉन्ड्स का, पी क्यू आर एस टी रेस्पेक्टिवली सबका, और हमको यहां पे निकालना है कि एंथैल्पी क्या होगी रिएक्शन की। देखिए रिएक्शन लिखता हूं मैं एक तरह से, यहां पे इक्वेशन है आपके पास, यहां पे एथिलीन, सॉरी एसिटाइलिन है, मतलब एथाइन दिया हुआ है, प्लस 5O2 बन रहा है 4CO2 और 2H2O। इसको मैं अगर बॉन्ड एनर्जी में लिखूं, यहाँ पे सब कुछ मैं गैस में ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग अगर बॉन्ड एनर्जी पे काम कर रहे हैं तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट शुड बी इन गैस स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए HC ट्रिपल बॉन्ड H प्लस आपके पास 5O2 4CO2 है, तो C हमारा इस तरह का होता है CO2, ये आपके पास 4 है और प्लस वाटर हमारा होता है इस तरह का, ये कितना है 2 है, ठीक है। अब यहाँ जब भी आप काम करते हो बॉन्ड एनर्जी पे तो हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, ये दो बॉन्ड तोड़ेंगे और ये वाले बॉन्ड बनेंगे। जब बॉन्ड तोड़ा जाएगा तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी और जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी बाहर निकलेगी। तो ये वाले डेल्टा एच आएगा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, उनका जो डिफरेंस होगा, ठीक है, कितना हमने दिया कितना हमको मिला, फिर डिफरेंस निकाल लेंगे, वो हमारा जाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो जो डेल्टा एच होगा रिएक्शन का वो हो जाएगा डेल्टा एच रिएक्टेंट, कितना हमने दिया रिएक्टेंट को, और माइनस डेल्टा एच प्रोडक्ट, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए अब हमको यहाँ पे कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं, बात करते हैं डेल्टा एच रिएक्शन से, तो 2 मल्टीप्लाई में हो रहा है, 2 मैं बाहर रख रहा हूँ। उसके बाद आपने बॉन्ड ब्रेक किया है, 2 बॉन्ड ब्रेक किए हैं CH, तो बॉन्ड एनर्जी किसकी, CH बॉन्ड की, 2 चाहिए होगा राइट, यहाँ से 2 हमारे पास, क्योंकि अब एक हमारे पास क्या है C ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैं इसको भी तोड़ना पड़ेगा, इसकी एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे C ट्रिपल बॉन्ड C की, 2 मैंने ऑलरेडी बाहर ले लिया है, ठीक है। प्लस O हमारे पास है, एक बॉन्ड है, तो हमको 5O ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने हैं, तो हमको 5 मतलब इंटू बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी O ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद 4 ये माइनस आएगा, ठीक है। देखिए फोर, अब कितने बॉन्ड है यहाँ पे C डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड है हमारे पास, तो हमको 4 × बॉन्ड नहीं देनी पड़ेगी C डबल बॉन्ड O के लिए, ये भी कितने हमारे पास 2 है, तो मैं इसको 8 कर देता हूँ, बेटर होगा, 4 तो ऑलरेडी है और C डबल बॉन्ड 2 है, तो 8 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए OH बॉन्ड कितने हैं 2, और 2 कितने 4 हो जाएगा वापस से, तो मुझे 4 देना पड़ेगा बॉन्ड एनर्जी किसका, OH बॉन्ड का, ठीक है। चलिए तो ये जगह 4 × बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। अब CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, ये हमारे पास P है, तो 4 × P प्लस 2 × C ट्रिपल बॉन्ड C, इसे कितनी है हमारे पास क्यू है, तो 2Q प्लस 5 × बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O, और O डबल बॉन्ड की एनर्जी हमारे पास कितनी है, R है, ये जगह पास 5R माइनस 8 × बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O, कितनी है C डबल बॉन्ड O की हमारे पास, S है, तो 8 × S एंड प्लस ओ, इसका हमारे पास कितना बचा T, 4 × T, ये आ गया, ये बनेगा 4P प्लस 2Q प्लस 5R माइनस 8S
-40, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू आपका करेक्ट होगा, 4p प्लस 2q प्लस 5r माइनस 8s प्लस 40, ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।